हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो ऑन डिमांड है। आज की वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज के सीट्स को जानने वाले हैं। आई होप आप भी इंटरेस्टेड होंगे कि जो कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हैं उसके कितने सीट्स अवेलेबल है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब बेसिकली इस वीडियो का आइडिया कहाँ से आया, मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बीए प्रोग्राम्स की सीट्स बताई थी डीयू के अंदर। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको किसी कोर्स की सीट्स जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाकर लेकर आऊँगा, और वो डेडिकेटेड वीडियो यही है। सो आज की वीडियो में हम सभी कोर्सेज की तो वैसे सीट्स नहीं देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के सीट्स को देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट आया था मिस्टर अंकित यादव का, तो इन्होंने कहा है कि बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड बी ऑनर्स इन हिस्ट्री के सीट्स जाननी है इनको, तो ज़रूर बताएंगे आपको सीट्स। तो फर्स्ट है बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। अब ये सीट्स आपको कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आपको सीट्स बता रही है। ये पहली वीडियो है यूट्यूब पर जो आपको सीट बता रही है, तो फिर आप कहाँ से ढूंढेंगे कि सीट कितनी है। तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल जो डेटा है वो आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहीं पर मिलेगा। कैसे, जैसे आप डीयू के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे तो एज यू नो वहाँ पर सभी कोर्सेज की लिस्ट गिवन है, साथ ही में कोर्सेज के अंदर कॉलेजेस भी मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस की जितने भी कॉलेजेस बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस ऑफर कर रही है वो सब यहाँ पर मेंशन है। देख सकते हैं आप 31 ये कॉलेजेस हो गए एंड 46 टोटल कॉलेजेस बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस आपको ऑफर कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये तो हो गई कॉलेजेस के बारे में। अब सबसे बड़ी बात, कॉलेजेस के आगे सीट्स भी गिवन है। जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये यू आर अंडर रिजर्व की कितनी सीट्स है, अगर बात करें आर्यभट्टा कॉलेज की तो 23, SCs की 9, ST की 4, OBC की 16 एंड EWS की 6। मतलब कि ऐसे जितनी भी कॉलेजेस BA पॉलिटिकल साइंस BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस ऑफर कर रही है उन सभी की सीट्स मेंशन है। अब आपको सीट कैसे काउंट करनी है, अगर इन सभी कॉलेजेस की सीट को काउंट कर लेंगे तो टोटल सीट्स निकल के आ जाएगी BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। अब मुझे नहीं लगता कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सब फ्री होंगे, क्योंकि सब बिजी रहते हैं, सबका अपना अपना काम है, तो कोई भी इसको लेके नहीं बैठेगा कि एक एक सीट को काउंट कर रहे हैं कि हाँ अनरिजर्व कितनी है। जनरल 23, SC की 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 6, ऐसे बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत एफर्ट्स लगेंगे। तो फिर टोटल सीट कौन काउंट करेगा, ऑब्वियसली मैं ही, जब वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मैं ही काउंट करूँगा। तो फिर तो आपके लिए मुझे इन सभी सीट्स को काउंट करना पड़ा, मैंने सभी सीट्स को काउंट कर लिया है ऑलरेडी। 3 या 4 कोर्सेज की मैंने सीट्स काउंट की है, जो कमेंट्स में आए थे उसके अकॉर्डिंग काउंट किया है। तो इसकी टोटल सीट्स है एज यू कैन सी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कितनी सीट्स है इसकी। सो इसकी टोटल सीट्स है बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, इसकी टोटल सीट्स है 7,264। अब आप खुद देख सकते हैं, आप अपना माइंड लगाओ कि इतनी सारी सीट्स को मैंने काउंट किया, कितनी है 45 प्लस कॉलेजेस सीट्स है, इन सभी की सीट्स मैंने काउंट की, चाहे कैलकुलेटर में की हो चाहे फ़ोन में की हो, इन सभी को काउंट करने के बाद टोटल सीट निकल के आई है 7,264। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना एफर्ट्स लगा इसके अंदर, कितना टाइम लगा, कितना टाइम स्पेंड हुआ, लेकिन इस मेहनत को, इस एफर्ट को कोई नहीं देखता। बस लोग आते हैं, वीडियो देखेंगे, हाँ उनको पता चल गया कि बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस में इतनी सीट्स हैं और चले जाते हैं। मेरे एफर्ट्स के बदले बस आपसे मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आए ना, अगर आप बोलो कि मुझे जितने भी कोर्सेज है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उन सभी कोर्सेज की सीट्स बताओ, तो मैं वो भी बताने को तैयार हूँ। लेकिन कुछ अच्छा रिस्पॉन्स तो आए इस वीडियो पर, मैक्सिमम 100-200 व्यूज़ आते हैं बस। अगर यही वीडियो डिट्टो यही वीडियो अगर कोई बड़ा यूट्यूबर डाले ना तो उसके हजारों में लाखों में व्यूज़ आ जाए, क्योंकि उसके पास ऑडियंस है, मेरे पास ऑडियंस नहीं है। तो इसलिए थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो पे, तो मैं अगली वीडियो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे कि मुझे इस कोर्स की सीट्स जाननी है, तो उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाकर लेके आऊँगा। कम से कम अच्छा रिस्पॉन्स आए, अच्छे व्यूज़ आए, तो फिर मेरे एफर्ट्स का सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो, फिर मजा आए, फिर मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लेके आऊँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर दें। अब नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर सत्यम जायसवाल की, तो इन्होंने कहा है कि इनको बी ऑनर्स की सीट्स जाननी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब बी ऑनर्स ऑन व्हाट, बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स इन हिस्ट्री, बी ऑनर्स इन ज्योग्राफी, बी ऑनर्स इन सोशियोलॉजी, बहुत सारी सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे कोर्सेज है, तो किसके अंदर जानना है। जैसे ये आ गया बी ऑनर्स इन सोशियोलॉजी, देन नेक्स्ट बी ए प्रोग्राम हो ही गया, देन बी ए ऑनर्स इन सोशल वर्क, इतने सारे कोर्सेज है, तो बी ऑनर्स ऑन व्हाट, तो ये तो इन्होंने कमेंट में बताया नहीं।
तो फिर मैंने बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बता ही दिया है, बी ए प्रोग्राम का मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में, उसको जाकर जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। सो ये आ गया बी ऑनर्स इन हिस्ट्री, मैंने इसको कुछ अकॉर्डिंग काउंट किया है, किसी कमेंट नहीं आया था, लेकिन कमेंट आए थे बी ऑनर्स के, लेकिन बी ऑनर्स ऑन व्हाट उन्होंने बताया नहीं, तो मैंने बी ऑनर्स इन हिस्ट्री के काउंट कर लिए टोटल। तो इसकी देख लेते हैं कितनी कॉलेजेस इस कोर्स को ऑफर कर रही है, तो वही 45 कॉलेजेस इस कोर्स को ऑफर कर रही है, उनकी सीट्स भी मेंशन है। अब बेसिकली सीट मैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं बता रहा, सभी कैटेगरी को टोटल करके जो सीट्स आ रही है वो इसके अंदर है टोटल 2616 इसके अंदर टोटल सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये हो गया बी ऑनर्स इन हिस्ट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट को, नेक्स्ट कमेंट आया है यूज़र, एक यूज़र नेम है उसका, वो बोल रहे हैं कि उनको बीएससी कोर्स की सीट्स जाननी है। अब बीएससी व्हाट, बीएससी तो बहुत सारा हो गया, एक बार नीचे चलेंगे बीएससी कोर्स के अंदर तो आपको मिलेगा बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स ऑन, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, बहुत सारा कंटेंट है। देखो ये रहा बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी, देन नीचे चलते हैं और बी ए ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंस, बी ए ऑनर्स इन बॉटनी, देन बी ए ऑनर्स इन जूलॉजी। अब इन्होंने पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया कि आपको इस कोर्स के बारे में सीट्स बतानी है, बस इन्होंने मेंशन कर दिया बीएससी कि इनको सीट्स जानी। अब बीएससी व्हाट, बीएससी इतने सारे कंटेंट आ रहे हैं, अब किसका किसका मैं बताऊँ आपको सीट्स। अब इन सब की मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इस पर भी एक वीडियो बनाकर ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन वही बात, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आए तब तो मैं करूँ ना ऐसा, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं फिर मेरी जो एफर्ट्स है वो कोई मतलब ही नहीं है उन एफर्ट्स का। इसलिए फिर भी कमेंट नहीं आने के बावजूद मैंने एक कोर्स की सीट काउंट की है, कोर्स का नेम है बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री। अब आप देख सकते हैं इसकी कितनी कॉलेजेस है इस कोर्स को ऑफर कर रही है, टोटल है 25 कॉलेजेस और नहीं है 25 कॉलेजेस है, इन सबकी सीट्स भी मेंशन है। अब मैंने तो काउंट कर ली, अगर आप मेरी जगह होते तो फिर आपको भी इन सभी सीट्स को काउंट करके टोटल सीट निकालनी पड़ती। अब आप खुद ही देख सकते हैं कितना टाइम लगता है इसके अंदर, कितने एफर्ट्स लगते, तो मैंने तो काउंट कर लिया। अब देखते हैं इसके अंदर कितनी सीट्स है, टोटल मैंने लिख रखा है यहाँ पर बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री 1154 इसके अंदर टोटल सीट्स है डीयू के अंदर। तो जो भी इस कोर्स को ऑप्ट करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सीट्स इतनी अवेलेबल है, 1154 सीट्स अवेलेबल। अब बेसिकली मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि बस इतनी से सीट्स है, और फॉर्म कितने फिल हो गए, 15 लाख फॉर्म्स फिल हो चुके हैं सीयूईटी के, तो फिर 1100 बच्चे बस सेलेक्ट होंगे इसके अंदर, 1100 बच्चे ही ऑप्ट कर पाएंगे, तो मैं डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बस एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, बेसिकली आपको पता नहीं, पूरे जिन भी बच्चों ने सीयूईटी के फॉर्म फिल किए ना उनको पता होना चाहिए कि जो भी कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो कितने सीट्स अवेलेबल है उस कोर्स के अंदर, हर बच्चे को पता होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको उन्हीं को पता रहेगा कि जो वो कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं उसके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है। सो आपको मैं वापस बोलता हूँ कि अगर आपको, मैंने तो यहाँ पर 3 कोर्सेज की बात की बस, अगर आपको किसी और कोर्स की सीट्स जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर ज़रूर लेकर आऊँगा, वरना फिर आपको काउंट करना पड़ेगा, आपको एक एक कॉलेज की सीट काउंट करके और फिर टोटल सीट निकालनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता आप में से सब फ्री होंगे, क्योंकि अपना अपना काम है, अपने अपने वर्क है, सबके अपने सब बिजी है, आज के टाइम पे कोई भी फ्री नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।